नाम है जयंत कुमार और मैं हूँ सिरसा शहर से, और इस वक्त दोपहर के 11 बजे हैं और मैं आ चुका हूँ सांची स्तूप। और आपको पता है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंडियन करेंसी के 200 रुपए नोट के पीछे जो फोटो लगी है वो यहीं पर है। ये है सांची स्तूपा और इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत अमेजिंग है। सुबह के 7:15 बजे हैं और इस वक्त मैं आ चुका हूँ भोपाल के रेलवे स्टेशन पर। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, और ये आप पीछे ट्रेन देख रहे हो, इसी ट्रेन में हम जाएंगे भोपाल से सांची, जो कि 50 किलोमीटर दूर है। ये अप्रोक्स मान के चलो आप 1 घंटे में हमको सांची पहुँचा देगी, और वहाँ से हम जाएंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूपा। और आपको एक बात और बताऊँ, जो अपने इंडिया का जो 200 रुपये का बैंक नोट है ना, उसके पीछे जो फोटो है वो 200 रुपये के नोट के पीछे छपा हुआ है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगा कि वो व्यू कैसा दिखता है। और इससे पहले मैं इंडियन करेंसी के उन पीछे जो बैंक नोट है ना, इससे पहले मैं 4 कवर कर चुका हूँ। पहले सबसे पहले मैं गया था कर्नाटक, उसके बाद गया महाराष्ट्र, उसके बाद गया गुजरात, और उसके बाद गया दिल्ली, और अब मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो देखते हैं वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहता है और क्या वो रहता है, आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं। हमको ये दो भाई मिले, आप कहाँ से भाई? भाई मैं उदयपुर से हूँ, एमपी मध्य प्रदेश। और आप भी इस जगह से? तो ये दो भाई मिले हैं यार, इन्होंने हमको एक प्लेस के बारे में बताया है, वहाँ पे भी कोशिश करेंगे हम, जरूर जाएंगे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। ठीक है भैया, ठीक है भाई। गाइस मैं पहुंच चुका हूं यहां पर सांची स्तूप के रेलवे स्टेशन पर, और यहां से जो सांची स्तूप है ना, मान के चलो आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है यहां से। अब रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे और उसके बाद वहां से ऑटो करके सीधा वहां पहुंचेंगे सांची स्तूपा। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो सांची का रेलवे स्टेशन है ना, इस रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। अब ये देखो, चलते हैं यहाँ से बाहर और बाहर जाके पकड़ते हैं ऑटो और वहाँ से जाएंगे हम सांची स्तूपा, जो कि यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। आ जाओ। तो सांची रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर मिले हैं भैया। और भैया कैसे हो? बस बढ़िया भाई। चाहिए बताओ कि यहाँ से सांची स्तूप जाने के लिए कितने रुपए लोगे? 40 रुपीज़ दो बंदों के लिए। पर पर्सन 20 रुपये। चले भैया, ऑटो तो अच्छा है भैया। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सांची स्तूप के टिकट काउंटर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट काउंटर कुछ ऐसा दिखता है, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर पहले ही बना हुआ है। आप यहाँ पर आकर टिकट ले सकते हो, और आपको मैं यहाँ पे प्राइस दिखा देता हूँ यहाँ पर टिकट का क्या है। हमने यहाँ से टिकट ले लिया है और टिकट पड़ी है हमको पर पर्सन 40 रुपये। अब बस यहाँ से हम सीधा ऊपर जाएंगे पहाड़ी की तरफ, जो कि 1 किलोमीटर दूर है सांची स्तूप। तो चलते हैं। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ सांची स्तूप पर, और मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री कैसे। तो गाइज़ हम यहाँ से एंट्री कर चुके हैं, और देखो
सामने ही है मेरे सांची का स्तूप, मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये बिल्कुल सांची का स्तूप है और इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी पानी पीना है या बेबी कर या टॉयलेट जाना है वो बिल्कुल सामने है। और यहाँ से आप सीधा जाओगे तो आ जाएगा सांची का स्तूप जो कि इंडियन करेंसी के 200 रुपए नोट के पीछे बना हुआ है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए और उस साइड वहाँ पर एक चीज़ है आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पर है क्या एक्चुअली। अब देखते रह जाओगे यार, मतलब इस सांची स्तूप के अंदर ना यहाँ पर इतना मस्त खरगोश और बतख है ना, मजा आ रहा तो मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पर सांची स्तूप में जो कि इंडियन करेंसी के 200 रुपए नोट के पीछे है। आप ये व्यू देख सकते हो यार, कितना ऑसम व्यू है यार सच में। और आपको पता है ये मेरा पांचवा ऐसा नोट है जहाँ पर मैं आया हूँ, इससे पहले मैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी जा चुका हूँ और इसके लिए आप मेरी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हो। और आपको पता है ये जो 200 रुपए का नोट है जिसके पीछे सांची स्तूप छपा हुआ है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है और यहाँ की जो हिस्ट्री है बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यू कैसा और ये ओवरऑल कैसा लगता है। भारतीय इतिहास विश्व के सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, उसी तरह यहाँ पर मौजूद इतिहास की विरासत भी काफ़ी प्राचीन है। इन विरासतों में से एक है सांची का स्तूप जो कि एक बौद्ध स्मारक है। यहाँ पर स्तूप आज के समय में एक पर्यटक स्थल है जो कि भोपाल शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर सांची गांव में स्थित है। सांची में तो ऐसे कई स्तूप हैं लेकिन उनमें से 3 स्तूप ऐसे हैं जो कि भारत देश में सबसे ज़्यादा संरक्षित स्तूपों में से एक है। आखिर ये स्तूप होते क्या हैं? स्तूप एक पवित्र बौद्ध स्थल है जिसे चेत भी कहा जाता है। इसका उपयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की आराधना भी की जाती है। इस स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं को सिखाने के लिए भी किया जाता है। सांची में तो कई स्तूप हैं लेकिन इनमें से 3 स्तूप ही सबसे ज़्यादा मेन हैं। पहला है स्तूप नंबर 1 जिसमें भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रखा गया है। स्तूप नंबर 2 में उनके गुरु का था जो कि वहाँ पर बौद्ध दीक्षा देते थे। और स्तूप नंबर 3 उनके सबसे प्रिय छात्र सारिपुत्र और महामोगल्यान के अवशेषों को रखा गया है और बाकी बचे गए स्तूपों में अन्य छात्रों के अवशेषों को रखा गया है। सांची को 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर शामिल कर लिया गया। भारतीय संस्कृति विरासत के इस महत्व को दर्शाने के लिए 200 रुपये भारतीय मुद्रा नोट के पीछे सांची स्तूप को दर्शाया गया है। सांची स्तूप का इतिहास। पुरातत्व इतिहासकार डॉक्टर नारायण व्यास ने बताया कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सांची स्तूप का निर्माण करवाया। इस बात को करीब 2300 साल बीत चुके हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक सम्राट ने पूरे भारतवर्ष में 84,000 से भी ज़्यादा बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया और इन बौद्ध स्मारकों में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा बनाया गया जिसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए थे। इन शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूप एक छत्र भी था। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी स्कया कुमारी को सौंपा गया जो कि विदेशा के व्यापारी की एक बेटी थी। सांची उनका जन्म स्थान था और अशोक सम्राट के विवाह का स्थान भी था। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुंग वंश के सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने स्तूप का विध्वंस कर दिया गया और इसके बाद
पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने इन पत्थरों से स्तूप को दोबारा पुनर्निर्माण करवाया। शुंग काल के आखिरी तक इस स्तूप का निर्माण लगभग 2 गुना कर दिया गया। इसी दौरान स्तूप के गुंबद को चपटा करके एक हिस्से के ऊपर से छतरियां बनवा दी गई। स्तूप के शिखर पर धर्म का प्रतीक और विधि चक्र लगाया गया। सातवाहन काल में तोरण द्वारों और कटघरों का निर्माण कराया गया, जिन्हें सुंदर रंगों से रंगा जाता था। कहा जाता था कि द्वार पर बनाई गई कलाकृतियां और द्वारों के आकार को खुद सातवाहन राजा सतकर्णी ने ही निर्धारित किया था। सांची का स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी लेंथ 21.64 मीटर और डायामीटर 36.5 मीटर है। स्तूप नंबर 1 में 4 तोरण द्वार लगाए गए हैं और इन तोरण द्वार पर महात्मा गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन को व्यक्त किया गया है। स्तूप का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसका अध्ययन करने वाले लोगों को आसानी हो। संरचना और शिल्पकारिता के कारण साल 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर शामिल कर दिया गया। 14वीं शताब्दी में स्तूप की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी और उसी दौरान किसी भी शासक ने स्तूप के संरक्षण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सन 1615 में भारत की भूमि पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर पसारने शुरू कर दिए गए। समय बीत गया और वर्षों पुराना इतिहास समेटे सांची स्तूप की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। खजाने के लालच में कई लोगों ने स्तूप के आसपास कई खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। साल 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। इन्होंने स्तूप के बारे में जानकारी इकट्ठी की और ब्रिटिश सरकार ने जॉन मार्शल को इसके पूर्ण निर्माण का कार्य सौंप दिया गया। सर मार्शल ने साल 1912 में दोबारा इस स्तूप का पूर्ण निर्माण किया और 1919 तक स्तूप को दोबारा खड़ा कर दिया गया। ये वही निर्माण है जो आज हम सांची में दिखाई देता है। वर्ष 1919 में सर मार्शल ने स्तूप के संरक्षण के लिए एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की और बाद में इसे सांची पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया। सांची के स्तूपों का निर्माण कई कालखंडों में हुआ, जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में माना गया है। माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपनी देह को त्याग दिया, उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार जमाने के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे और अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों को कई भागों में विभाजित कर दिया। इन्हें लेकर आरंभ में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के अवशेषों को बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन स्तूपों को प्रतीक मारकर होने लगा। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस स्तूप परिसर में बने तहखाने में भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियाँ रखी हुई है और जिस पर एक बड़ा सा ताला है और इसकी एक चाबी कलेक्टर और दूसरी माँ बौद्ध सोसाइटी के पास रहती है और महोत्सव के दौरान इन दोनों चाबियों को एक साथ मिलाकर इस तहखाने को खोला जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इन स्तूप के निकट सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ, जिसकी सारनाथ की 4 तरह शेर शामिल है, वो यहीं पाया गया था। साथ ही साथ यहाँ बड़ी ही संख्या में बर्मा लिपि के शिलालेख भी पाए गए हैं।
एक्चुअली यहाँ पर सांची के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और आपको पता है यहाँ पर सांची के नाम से दूध भी मिलता है, लस्सी भी मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। आपको मैं दिखाता हूँ 140। ये आप देख सकते हो ये है, ये दूध है ना? नहीं, फिर ये बटर मिल्क है। अच्छा ठीक है, मिल्क है ये, एक्चुअली मिट्टी लस्सी है और ये है फुल फैट गोल्ड वाला दूध और ये है सिंपल दूध, आप देख सकते हो। जो सांची का ये रेलवे स्टेशन है ये अभी वर्किंग में है और हो सकता है हम शायद मैं भी दोबारा भी आए और एकदम पूरा ऐसे देखेंगे कि पूरा नया बन चुका है, लेकिन अब तक के लिए यही यादें बहुत है, बाकी अगली बार देखेंगे।